नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय की LLM की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं हरिप्रसाद और आप सभी को तहे दिल से हार्दिक बधाई कि आपकी LLM की क्लासेस आज से प्रारंभ होने जा रही है। देखिए विद्यार्थियों, LLM में हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा कंपेरेटिव क्रिमिनल प्रोसीजर अर्थात दांडिक प्रक्रिया विधियों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो आप सभी आज से नियमित रूप से आप अध्ययन में लग जाइए और आपकी LLM की क्लासेस में नियमित रूप से अध्ययन करते रहिए। हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा कंपेरेटिव क्रिमिनल प्रोसीजर। अब आप क्रिमिनल प्रोसीजर तो समझते ही हैं कि जो दांडिक मामलों की जो मूल विधियां हैं उनका प्रोसीजर कैसे चलेगा, उसी को कहते हैं प्रोसीजर लॉ। उसको कहते हैं अपन प्रोसीजर लॉ। प्रोसीजर लॉ का मतलब प्रक्रिया कैसे चलेगी, यानी कि जो मूल विधि होती है दांडिक विधियों में उसमें केवल दंड बताया गया है और अपराध बताया गया है, और उन अपराधों को कितना दंड मिलेगा, अगर कोई व्यक्ति ऐसा ऑफेंस करता है तो कितना दंड मिलेगा, और अपराध कहते किसे हैं या अपराध क्या होता है, वो सारी जो है मूल विधियों में सब्सटेंटिव लॉ में रहता है, लेकिन प्रोसीजर लॉ में रहता है उसकी प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब कैसे FIR दर्ज होगी, कैसे उसकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, कैसे उसकी ट्रायल चलेगी, कैसे उसकी अपील होगी, कैसे उसका जजमेंट आएगा, ये सारी चीज़ें जो होती है वो प्रक्रिया विधि में होती है। तो लॉ को जो है, जो क्रिमिनल लॉ है उसको हम दो प्रकार से देखते हैं, एक तो सब्सटेंटिव लॉ में क्रिमिनल लॉ और एक है प्रोसीजर लॉ में क्रिमिनल लॉ। प्रोसीजर में और एक सब्सटेंटिव में। जो मौलिक विधि होती है उसमें अपराध और अपराधों के लिए क्या दंड मिलेगा ये बताया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि इसको दंड अपराधी को आप दिलाएंगे कैसे, अर्थात किसी व्यक्ति ने ऑफेंस किया है तो ये ऑफेंस हो गया, ये तो जैसे IPC मूल विधि है, IPC मौलिक विधि है, IPC सब्सटेंटिव लॉ है, उसको पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा, लेकिन जो है उसका प्रोसीजर कैसे चलेगा वो आपको देखना पड़ता है CRPC में। कहाँ देखना पड़ता है, CRPC में। तो मूल जो है प्रोसीजर लॉ क्रिमिनल मामलों का प्रोसीजर लॉ कौन सा हुआ, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC जो है सबसे बड़ा जो है प्रोसीजर लॉ है। और अब क्रिमिनल मामलों में एविडेंस कैसे ली जाएगी, तो इसमें मेन जो है प्रोसीजर लॉ है वो है एविडेंस। तो यहां जो ये जो पेपर है आपका LLM का कंपेरेटिव क्रिमिनल प्रोसीजर, इसमें जो है आपकी दांडिक विधियों का प्रक्रिया विधियों का कंपेरेटिव तुलनात्मक और कोरिलेट करके अध्ययन अपने को करना है। हमने LLM जो है LLM में हम कंपेरेटिव या कोरिलेट करके अध्ययन करेंगे, जबकि LLM में हम सीधा पढ़ चुके हैं कि CRPC को और एविडेंस को, लेकिन यहाँ एक मास्टर डिग्री है एक PG डिग्री है, इसलिए यहाँ पे इसको बड़ी गंभीरता से और गहन अध्ययन करना जरूरी हो जाता है, इसलिए एक दूसरे के रिलेटेड प्रावधानों को एक साथ अध्ययन करना इस पेपर में है। यानी कि जैसे कोई भी आप कन्फेशन ले लिया, कन्फेशन का मतलब संस्वीकृति, अब संस्वीकृति एविडेंस पे कब ग्राह्य है और कब ग्राह्य नहीं है, कन्फेशन कैसे होगी इसकी प्रक्रिया कहाँ है CRPC में, कन्फेशन कैसे लिखी जाएगी, कन्फेशन कौन से मजिस्ट्रेट के सामने होगी, ये CRPC में दिया हुआ है। जबकि कन्फेशन होता क्या है और कन्फेशन कब एडमिसेबल है या एविडेंस में, कब रिलेवेंट है और कब रिलेवेंट नहीं है, किन व्यक्तियों की जो है कन्फेशन संस्वीकृति सुसंगत है और किन की नहीं है, तो अर्थात आपको एविडेंस के प्रावधानों को और CRPC के प्रावधानों को और उससे रिलेटेड आपका भारतीय संविधान में भी कोई प्रावधान है तो उन सभी प्रावधानों को एक साथ अध्ययन करेंगे, रिलेटेड प्रावधानों को हम एक साथ देखेंगे। तो
तो इसलिए इसमें इस पेपर का जो नाम है वो है कंपेरेटिव क्रिमिनल प्रोसीजर, तुलनात्मक दांडिक प्रक्रिया विधियों का अध्ययन इस पेपर के माध्यम से किया जाना है। अब इसमें आप तुलनात्मक अध्ययन करने का मतलब ये है कि एक दूसरे के प्रावधानों को, एक दूसरी विधियों के प्रावधानों की तुलना करना, उनको कंपेरेटिव करना, उसकी तुलनात्मक दृष्टि से देखना और जो है उसका एक साथ को रिलेट करके अध्ययन करना। जैसे एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, आपने देखा होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में क्या है, भारत का संविधान का अनुच्छेद 22 क्या कहता है, आर्टिकल 22 क्या है, तो आप सभी को पता है, आप सभी ने LLM फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है और LLB में पढ़ा है, डबल जियोपार्डी अर्थात दोहरे दंड के विरुद्ध संरक्षण, अर्थात दोहरे दंड से संरक्षण। क्या ऐसा प्रावधान CRPC में है? बिल्कुल, आप अगर जरा सा याद करोगे तो CRPC के सेक्शन 300 में ठीक यही प्रावधान है, CRPC की धारा 300 में ये प्रावधान है। अब यहां इनका कंपैरिजन करना है कि आर्टिकल 22 क्या कहता है और CRPC की धारा 300 क्या कहती है, उनमें कितना अंतर है, कौन सा डिटेल में है, कौन से का क्राइटेरिया ज्यादा है और कौन सा कम है। आर्टिकल 22 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक बार दोष सिद्ध कर दिया तो उन्हें विचारण नहीं किया जाएगा, जबकि CRPC की धारा 300 ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति को किसी एक अपराध के लिए एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किया जाता है। यहाँ पे कन्विक्शन और एक्विटल दोनों है, जबकि यहाँ पे केवल कन्विक्शन है, यहाँ दोष सिद्धि है और यहाँ दोष सिद्धि और जो है दोष मुक्ति दोनों है। अगर किसी व्यक्ति को एक ही अपराध में एक बार दोष मुक्ति या दोष सिद्ध किया जा चुका है तो CRPC की धारा 300 के अनुसार उसकी पुनः ट्रायल नहीं होगी, जबकि आर्टिकल 22 ये कहता है कि एक बार किसी व्यक्ति को किसी आपराधिक मामले में दंडित कर दिया तो उसका पुनः विचारण नहीं किया जाता। तो यह CRPC की धारा 300 का क्राइटेरिया ज्यादा है। इस प्रकार हमको कोरिलेट करके, कंपेरिजन करके इस पेपर में हम क्रिमिनल प्रोसीजर का अध्ययन करेंगे। ज्यादा इसमें ये कंफ्यूज होने की और अपने को डरने की जरूरत नहीं है, इसमें पढ़ना वही है जो अपन ने पढ़ा, लेकिन उसका जो पढ़ने का जो अपना आस्पेक्ट है, पढ़ने का जो दृष्टिकोण है, पढ़ने में थोड़ा सा डीप अध्ययन करके थोड़ा सा बारीकी से हम इसमें अध्ययन करेंगे कंपेरेटिव में। बाकी है इसमें वही है, इसमें वही CRPC आपका, वही एविडेंस है और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान भी मिलेंगे। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन, CRPC और एविडेंस का मुख्यतः इस पेपर के माध्यम से अध्ययन करेंगे, लेकिन जो इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पॉइंट वाइज चल के जो है उनको, एक दूसरे के प्रावधानों को जो रिलेटेड है उसको कोरिलेट करके देखेंगे। अगर आप इसका सिलेबस भी देखते हो तो सिलेबस में भी एक किताब इसके लिए, एक किसी भी राइटर की एक बुक सफिशियंट नहीं है। इस पेपर का अध्ययन करने के लिए हमें विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से अध्ययन करना पड़ता है और जिसमें